हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रिजवान साकिब। आज हम बात करेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं और ये क्यों ज़रूरी हैं। फंक्शंस की दो इकसाम हैं। पहली, बिल्ट इन फंक्शंस, जो कि एसक्यूएल सर्वर में बिल्ट इन होते हैं। इसकी दूसरी टाइप, यूज़र डिफाइन, जो कि एक यूज़र खुद डिफाइन करता है। और उसकी तीन इकसाम हैं, स्केलर फंक्शन, इनलाइन टेबल वैल्यूड फंक्शन, मल्टी स्टेटमेंट टेबल वैल्यूड फंक्शन। आज हम बात करेंगे एग्रीगेट फंक्शन की, जो कि एक बिल्ट इन फंक्शन है, जिसमें सबसे पहले एसक्यूएल काउंट फंक्शन। द एसक्यूएल काउंट फंक्शन एग्रीगेट फंक्शन इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ रोज इन डेटाबेस टेबल। हमारे डेटाबेस के टेबल में जितनी भी रोज होती हैं, हम उनको काउंट करने के लिए काउंट फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। मैक्स फंक्शन, हम अपने टेबल में से एक रो में से सबसे मैक्स वैल्यू जो होती है उसे गेट करने के लिए मैक्स फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही मिनिमम, हमारे टेबल में सबसे लोएस्ट वैल्यू उसे गेट करने के लिए हम ये फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी का, ये टेबल मेरे पास एम्प्लॉयज का टेबल है और ये हम देखेंगे कि एक टेबल में से हम रो को कैसे काउंट करते हैं। सेलेक्ट काउंट, जिस रो को हमने काउंट करना है उसका नेम, और ये हम इसमें से ये अब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। इस टेबल में टोटल 8 रोज हैं, जैसा कि टोटल 8 रोज हैं। ऐसे ही हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रो, जैसा कि हमारे टेबल में एक सैलरी है जिसमें 10,000, 20,000 एंड 1,00,000। अगर हम ये देखना चाहें कि हमारे पास सबसे मैक्स वैल्यू कौन सी है, तो हम यूज करेंगे मैक्स सैलरी। और ये हम यूज करेंगे अलियासेस एज मैक्स मैक्स सैलरी और हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं 1,00,000 इज मैक्सिमम वैल्यू इन सैलरी। मिनिमम, अगर हम मिनिमम वैल्यू देखना चाहते हैं कि कौन सी है, तो हम मिनिमम फंक्शन यूज करते हैं, जैसा कि मिनिमम एंड ये हमारी 10,000
minimum salary. ऐसे ही एवरेज फंक्शन, अगर हम एवरेज सैलरी देखना चाहें कि हमारी एवरेज सैलरी कितनी है, तो हम एग्रीगेट फंक्शन में से एवरेज सैलरी एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल, अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। जैसा कि आप सामने है 40,625 हमारी एवरेज सैलरी है। सम ऑफ फंक्शन, सम हम जब बहुत सी वैल्यूज को सम करना चाहते हैं तो हम सम का फंक्शन यूज करते हैं। जैसा कि अगर हम टोटल सैलरी को सम करना चाहें तो हम, हमारे पास 3,25,000 टोटल सैलरी है। इसी तरह एम्प्लॉयज के टेबल में अगर हम देखना चाहें कि मेल की टोटल सैलरी कितनी है और फीमेल की कितनी है, तो हम सम जेंडर जेंडर इज इक्वल टू मेल एंड ग्रुप बाय जेंडर जैसा कि आप देख सकते हैं मेल की टोटल सैलरी 2,45,000 ये हम नेम चेंज कर लें टोटल सैलरी हम इसे दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं ऐसे ही हम अगर देखना चाहें फीमेल की सैलरी अगर हम किसी भी सिटी की टोटल सैलरी देखना चाहें कि हम जैसा कि इधर कराची तो हम यहां पे लिखेंगे सिटी सिटी इज इक्वल टू कराची एंड ग्रुप बाय सिटी एंड सैलरी ये कराची की टोटल 10,000, 20,000 एंड 40,000। अगर हम इन सब का सम चाहते हैं कराची की टोटल सैलरी कितनी है,
हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। कराची की टोटल सैलरी 70,000। इसी तरह कॉन्कैट फंक्शन, जब हम किसी भी दो चीज़ों को इकट्ठा करना चाहें तब हम ये फंक्शन यूज़ करते हैं। आज के साथ इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।